हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे लेंस एंटीना। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें लेंस यूज़ करेंगे। ये हमारा वर्क करता है रिफ्रैक्शन के बेस्ड पे। तो चलिए हम पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा सोर्स है, इसे ये बेसिकली हॉर्न एंटीना होता है। और ये हमारा लेंस है, ये हमारा रेडियल है, और ये हमारा वेव फॉर्म है। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा जो हॉर्न एंटीना हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालता है, तो हमारा जो ये वेव फॉर्म जो इसके स्फेरिकल शेप में है, ये हमारे लेंस के अंदर जाएगा, और लेंस के अंदर जाने के बाद ये प्लेन वेव में देता है हमारा। ये जो हमारा आउटपुट देगा हमारा है लेंस के बाद, ये प्लेन वेव में देता है। इसी तरीके से हम जैसे यहाँ से हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, और जब हम इसे रिसीव करेंगे, इसी तरीके से हमारा हमारा जो ये सिग्नल है लेंस लगा होगा, हमारा ये रिसीवर है, इस पे यहाँ तक ये जाएगा। अभी जो लेंस एंटीना है, इसमें हम दो तरह के लेंस एंटीना यूज़ करते हैं। पहला होता है ई टाइप, जिसे हम कंडक्टिंग प्लेट कंडक्टिंग टाइप भी कहते हैं। और दूसरा हमारा होता है डाइलेक्ट्रिक। इसे हम डीले भी कहते हैं और एच प्लेन भी, और इसे एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अब देखते हैं, पहला ई टाइप देखेंगे। इसमें हमारा जैसे ये हमारा हॉर्न एंटीना सिग्नल सेंड कर रहा है, और ये हमारा कॉनकेव लेंस। अभी हमारा जब ये स्फेरिकल हमारा सिग्नल सेंड करता है, तो जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो हमारे लेंस के अंदर जो हमारे मेटल स्ट्रिप होते हैं उसके पैरेलल होता है। जैसे हमारे मेटल स्ट्रिप हैं, और ये हमारा स्फेरिकल है, इसके हमारे ये पैरेलल होता है। और जो जब ये इसके अंदर जाता है, तो इसके अंदर जो इसकी जो वेलोसिटी होती है, और जो हमारा ये एयर के अंदर वेलोसिटी है V1 एंड V2, तो जो V2 होता है वो ग्रेटर देन V1 होता है। तो जो हमारा आउटपुट निकलता है रहा हो गया ये हमारा जो आउटपुट हुआ, ये इसकी स्पीड इससे ज़्यादा होता है इसकी वेलोसिटी, इसलिए हम इसे एक्सेलरेशन के लिए यूज़ करते हैं, वेवफॉर्म को एक्सेलरेट करने के लिए। और हमारा फाइनली हमारा जो सिग्नल है, हमारा दूसरे लेंस आएगा और वहाँ से हमारे पास सोर्स में चला जाएगा। और दूसरा होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक टाइप। इसमें क्या होता है
सो ये हम हॉर्न एंटीना यूज़ करेंगे, हमारा सिग्नल स्फेरिकल सिग्नल, और इसमें हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे वन साइड। इसके अंदर जो हमारा ये होता है ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का बना होता है, और इसमें जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो है कंडक्टिंग रोड और जो स्फेरिकल मेटल रोड होते हैं, स्फेरिकल मेटल्स होते हैं, जो कि इसकी जो साइज होता है उसकी जो और जो इसकी जो वेवलेंथ होता है उससे ये छोटा होता है। ये जो हमारा स्फेयर है वो हमारे वेवलेंथ से छोटा होता है। अब जब ये हमारा ये जो सिग्नल है ये इसके अंदर जाता है, तो जाने के बाद जो ये क्या करता है कि डीएक्सेलरेट कर देता है, और जो हमारा जो आउटपुट निकलेगा इससे वो हमारा इसकी जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक टाइप। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेज। ये होता है फीड, पहला होता है फीड एंड फीड सपोर्ट, डू नॉट ऑब्स्ट्रैक्ट द अपर्चर, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा होता है हमारा जैसे बीम कैन मूव एंगुलरली विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस, और इसका जो होता है हमारा वेव होता है लार्ज अमाउंट ऑफ वेव देन अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। और होते हैं एक लो नॉइज हो गया, और हायर गेन होता है एज कंपेयर टू पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। तो ये इसके एडवांटेज हो गए। अब हम इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। पहला हो गया लेंस आर हैवी, जिसे हमें हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और हो गया कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है इसका। और क्या कोस्टाइलर होता है, एज कंपेयर टू पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। ये उसके डिसएडवांटेज। अब देखते हैं इसके एप्लीकेशन। इट इज यूज एज नैरो बैंडविड्थ और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन एंड माइक्रोवेव रिसीवर ऑल्सो।